लोहरन का इलाके में हम लोग पुलिस की जो जहां पर तैनाती है उसको अच्छी रहने की, अच्छा काम करने की सुविधा हो, उस नज़रिए से जहां पर दो नई बिल्डिंग तामीर हुई है। इसमें एक पुलिस स्टेशन नया बना है जो आपने अभी देखा है, और एक रहने के लिए नए क्वार्टर्स बने हैं पुलिस के लिए। इन दोनों को आज इनॉग्रेट किया गया है और जवानों के लिए ये अच्छी सुविधा ऐड हुई है, मैं इसके लिए उनको मुबारक देता हूँ। इसके साथ साथ यहाँ के हमारे जो लोकल नुमाइंदगान हैं, चाहे वो पंचायत से हों, BDC से हों, DDC से हों, उनसे मुलाकात हुई, इलाके के हालात के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, इलाके की ज़रूरतों के बारे में उनके साथ चर्चा हुई, ताकि कोई यहाँ का इशू हायर अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाने पहुँचाने की बात हो तो उसको वहाँ तक लिया जा सके। मैं समझता हूँ कि लोहरन का इलाका ओवरऑल बहुत अच्छा इलाका है। मिल्टनसी के दौर में भी जहाँ पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने इलाके को संभाल के रखा है और दहशतगर्दी को किसी भी तरह इस इलाके के अंदर पांव पसारने का मौका नहीं दिया है, ऐसा ही आज भी चर्चा हुआ कि किसी वो जो पाकिस्तान के एजेंसी जो चाहती हैं कि अलग अलग इलाकों के अंदर मिल्टनसी दहशतगर्दी को फिर से ज़िंदा किया जाए, कोई नए टट्टू पैदा करने की कोशिश करते हैं जिनका निपटारा टाइम टू टाइम हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि अपने इलाके को हफाजत में रखना है और इस तरह की कोई साजिश यहाँ पर कामयाब नहीं होने देनी है। छोटे मोटे तरक्याती कामों का और बाकी ज़रूरतों का चर्चा हुआ जिसको कंसर्न्ड अथॉरिटीज तक पहुँचाया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे और होने की उम्मीद रखते हैं जल्द ही। इस वक्त अमन अमान का माहौल है पूरे जम्मू के अंदर, पूरे कश्मीर के अंदर। अगर आप देखें तो किसी तरह का आवाम को आज की तारीख में हमारी तरफ से कोई तकलीफ ना हो, इसको हर तरीके से शोर किया गया है। किसी के साथ ज़्यादती किस तरह की फोर्सेस या पुलिस की तरफ से ना हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जा रहा है। किसी को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई और दूसरा आदमी खलल ना डाले, परेशानी पैदा ना करे, उसको इंश्योर किया जा रहा है। जहाँ तक के जो हड़तालों का, बंद कॉल्स का सिलसिला, पत्थरबाजी का सिलसिला, स्कूलों को बंद करने का, कॉलेजों को बंद करने का सिलसिला पीछे रह चुका है, आज नौजवान बच्चे अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, करियर अपना बना रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों में जा रहे हैं, और इसी तरीके से लोग बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। पुंछ राजौरी पर्टिकुलरली बात करें।